तो शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बीबीसी दफ्तर में आईटी की छापेमारी जारी है। दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में ये छापेमारी की जा रही है। टैक्स चोरी के मामले में छापेमारी की जा रही है। कोई भी देश के कानून से ऊपर नहीं, ये अनुराग ठाकुर ने कहा है। लगभग 3 दिन तक ये रेड जारी रहेगी। इसके साथ ही कल सुबह 11 बजे ये छापेमारी शुरू हुई थी और अब भी छापेमारी की जा रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां बीबीसी के दफ्तर में आईटी की छापेमारी जारी है। दिल्ली और मुंबई के कई ऐसे दफ्तर जहां पर फिलहाल छापेमारी की जा रही है। टैक्स चोरी का इन पर आरोप है, जिसको लेकर ये छापेमारी की जा रही है, ये कार्रवाई की जा रही है। कोई भी देश के कानून से ऊपर नहीं है, ये अनुराग ठाकुर का साफ तौर पर कहना है। लगभग 3 दिन तक ये रेड जारी रहेगी, जो जानकारी मिल रही है। लेकिन आपको बता दें कि कल सुबह 11 बजे से ये छापेमारी शुरू हुई, जो कि अब भी की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि इस जो छापेमारी जो की जा रही है, इसको बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के साथ जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर हमलावर है और कहा है कि ये अघोषित आपातकाल है। तो आपको बता दें ये छापेमारी की जा रही है, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कल से ही बीबीसी के दफ्तर पे छापेमारी की जा रही है। मुंबई, दिल्ली में ऐसे कई ठिकाने हैं बीबीसी के, जहां आईटी विभाग की छापेमारी जारी है। तो टैक्स चोरी का इन पर आरोप है, इसको लेकर ये छापेमारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल टैक्स चोरी की है और इसके इनपुट्स मिले हैं, जिसके आधार पर आईटी विभाग छापेमारी कर रही है। हालांकि इसको लेकर अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पर यह कहा है कि कोई भी देश कानून के ऊपर नहीं है। हालांकि जानकारी निकलकर सामने ये भी आ रही है कि 3 दिन तक ये जो रेड है वो जारी रहेगी। तो बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। दिल्ली और मुंबई के कई ऐसे दफ्तर जहां छापेमारी की जा रही है, और ऐसे में बताया जा रहा है कि 3 दिन तक ये छापेमारी जारी रहेगी। फोन को जब्त कर लिया गया है, सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त कर लिया गया है और उसकी जांच की जा रही है आईटी विभाग के द्वारा। और ये बड़ी कार्रवाई है। हालांकि कांग्रेस अब इसको लेकर हमलावर है और कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि ये बदला लिया जा रहा है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर, क्योंकि पहले तो उसको बैन किया गया और अब इस तरीके की छापेमारी की जा रही है। ये अघोषित आपातकाल है, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है। हालांकि अब आरोप लग रहे हैं, लेकिन इसी बीच अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोई भी देश के कानून से ऊपर नहीं है। तो गजेंद्र दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, इसके साथ ही मुंबई से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। जानकारी उनसे ले लेते हैं। सबसे पहले गजेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ इस वक्त की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कल से ही हम देख रहे हैं कि दिल्ली में बीबीसी के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। जी, कल लगभग 11:56 से ये कार्यवाही जारी है और लगभग 72 घंटे तक चलने वाली है, क्योंकि जब इस तरीके की प्रक्रिया होती है, जब आईटी इस तरीके की छापेमारी करती है, सर्वे करती है, तो तकरीबन 72 घंटे तक इस तरीके का जो प्रोसेस है वो चलता है, जिसको देखते हुए बताया जा सकता है कि 3 दिन तक इस तरीके की ये कार्रवाई रहेगी और आज भी ये जारी है। हालांकि जो ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े हुए लोग हैं उनको जरूर बुलाया गया है, वो जरूर ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े हुए गिने चुने लोग हैं, लेकिन बाकी जो कर्मचारी हैं जो बीबीसी पे काम करते हैं, उनको घर से ही काम करने के लिए कहा गया है। और अगर आईटी की बात करें तो 2012 से लेके अभी तक के सभी दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, सभी आयकर विभाग से जुड़े हुए जितने भी दस्तावेज है उनको देखा जा रहा है और उसी के तहत अभी ये कार्रवाई चल रही है। वहीं अगर हम बात करें तो अमरीका और ब्रिटेन ने भी इस पे नजर रखी हुई है और ये कार्रवाई अभी और चलने वाली है। लेकिन इस बीच अगर हम बात कर ले तो लगातार जो बिल्डिंग में बाकी ऑफिस हैं उसके अंदर जो लोग आ रहे हैं वो जरूर अपने काम के लिए आ रहे हैं, लेकिन 5वें, 6वें और 11वें माले पे जहाँ पे बीबीसी का ऑफिस है वहां पे जरूर लोगों के आने जाने को लेके रोक लगी हुई। बिल्कुल, राजन भी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंबई में भी बीबीसी के कई ऐसे ठिकाने हैं जहाँ पर छापेमारी की जा रही है, क्या जानकारी मिल रही है, क्या अभी तक कुछ सुराग हाथ लग सका है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कल मुंबई का जो बैंड्रा में जो बीबीसी का जो एक बड़ा दफ्तर है वहां पर करीबन 10:30 से 11 बजे के बीच जो है 1 दर्जन की जो टीम है वो आयकर विभाग की वहां पर पहुंची और सभी का जो फोन है वो जब्त कर लिया गया है।
और किसी को भी अंदर बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता, अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता। और कल जिस तरीके से, हालांकि इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं उनका कहना था कि हमने इनको पहले भी नोटिस हमने दिया था और इसी को लेकर जो है आज हम पूछताछ करने के लिए आए हैं, कुछ हमें दस्तावेज चाहिए, हम वो चेक करने के लिए आए हैं जो हमें जानकारी मिल रही है। हालांकि वो ऑफिशियली कुछ मीडिया के कैमरे पर आकर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तो कल भी जिस तरीके से एक दर्जन की टीम बैंड्रा के बीबीसी के दफ्तर पहुंची और आज भी जो जानकारी मिल रही है कि करीब करीब 8:30 से 9 बजे के बीच बीच जो है आज भी वहां पर जो है जांच जारी है और ऐसे में जो दस्तावेज है वो देखा जा रहा है, जो बैलेंस शीट है उनका वो देखा जा रहा है और क्या कुछ निकल कर सामने आता ये भी अपने आप में काफी अहम होगा। बिल्कुल अहम होगा और देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। हालांकि बताया जा रहा है कि 3 दिन तक ये छापेमारी की जाएगी। गजेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जो सियासत की शुरुआत होती है वो दिल्ली से ही होती है। अब इस पूरे मामले में सियासत ने एक अलग रूप रंग भी ले लिया है, जहां एक तरफ अनुराग ठाकुर की तरफ से ये कहा गया है कि कोई भी देश के कानून से ऊपर नहीं है, तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि ये अघोषित आपातकाल है। माफ कीजिएगा, आवाज नहीं आ रही। गजेंद्र, क्या आपको आवाज आ रही है? जी 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 जी। देखिए, जो राजनीति की शुरुआत होती है वो दिल्ली से ही होती है। अब राजनीति इस पर की जा रही है। अनुराग ठाकुर ने जहां एक और ये कहा है कि कोई भी देश के कानून से ऊपर नहीं है, तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से ये बोला जा रहा है कि ये अघोषित आपातकाल है। जी बिल्कुल, अगर बात कर ले तो अघोषित आपातकाल कल ही बोल दिया गया था कांग्रेस की तरफ से। जब छापेमारी शुरू हुई थी तो ट्वीट आने भी उसी वक्त शुरू हो गए थे, लेकिन अगर हम बात करें तो राजनीति इस पे होना संभव दिख रहा था, क्योंकि जिस तरीके से आयकर विभाग ने यहाँ पे छापेमारी की है उनका ये रूटीन है, वो रूटीन के तहत ये छापेमारी कर रहे हैं। लेकिन इसको जो हमारे पीएम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी गुजरात दंगों को लेके, उससे राजनीति को जोड़ दिया गया है, जिसके बाद लगातार बीबीसी के ऊपर, क्योंकि ये छापेमारी और बीबीसी ने ही वो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, इसलिए अब इसके ऊपर राजनीति भी तेज होती जा रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो वो लगातार कह रही है, चाहे उनके नेता हम जयराम रमेश की बात कर ले तो वो लगातार उन्होंने कहा है कि हम लगातार उनसे सवाल कर रहे हैं, वो उन सवालों से बच रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ बीबीसी के ऊपर छापेमारी कर रहे हैं, इसलिए वो अघोषित आपातकाल भी बोल रहे हैं और साथ में विपरीत काले विनाशपति जैसे शब्द वो यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर वही बात कर ले तो जो बीजेपी है उसकी तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि देश से ऊपर कुछ नहीं है, तो लगातार जो अब इसमें राजनीति भी आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अलग अलग अगर विपक्षी दलों की बात की जाए तो सबकी तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल गजेंद्र, और मुंबई में भी राजनीति शुरू हो गई है। मुंबई में क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं राजनीति के हिसाब से? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कल जिस तरीके से आयकर विभाग की जो टीम है वो बैंड्रा के जो बीबीसी का जो दफ्तर है वहां पहुंची और उसके बाद जो है राजनीति जो है वो कांग्रेस पार्टी है, वो बीजेपी हो, सबकी तरफ से जो है बयानबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि पहले जो है डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंध कर दिया गया और अब कहीं ना कहीं जो मन है, जो माइंड है वो डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पर जो है जांच जारी है और ऐसे में जो है वो गलत उपयोग कर रही है इनकम टैक्स का, ये कांग्रेस का आरोप है। हालांकि बीजेपी का यह कहना है कि इनकम टैक्स की जो टीम है वो अपना काम कर रही है, उनको जो बैलेंस शीट में जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर था वो उसकी जांच कर रही है। तो अपने जो बयानबाजी है वो जारी है, लेकिन अभी की जो बड़ी खबर है आपको बता दूं कि करीब करीब एक दर्जन की जो टीम है वो बैंड्रा के बीबीसी के दफ्तर पहुंची है, किसी को भी बाहर से अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, अंदर से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है और वहां के जो कर्मचारी है उन्हें कहा गया कि आप ऑनलाइन ही घर से बैठकर काम करें और ऐसे कई जो वहां पे जो बड़े अधिकारी है उनका फोन भी जब्त कर लिया गया है बीबीसी के कर्मचारियों का। बिल्कुल, और गजेंद्र मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि टैक्स एक्ट 1961 के तहत वो कह रहे हैं कि ये कोई छापेमारी नहीं है, ये सर्वे है जो कि डेली रूटीन में भी किया जाता है। यानी कि अगर आपको कोई दस्तावेज खंगालने हो या देखना हो कि क्या काम सही से हो रहा है कि नहीं, ये नॉर्मल सर्वे है, इसको राजनीति रूप नहीं दिया जाए। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ये नॉर्मल सर्वे ही है। आईटी की अगर बात कर ली जाए तो वो लगातार जो है यहाँ पे दस्तावेज खंगाल रहे हैं 2012 से लेके अभी तक के, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है आईटी को कि कहीं ना कहीं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर कहीं ना कहीं कर को लेके आगे पीछे हुआ है, क्योंकि जब
जितनी बार भी अगर देखा गया तो बीबीसी जितने भी फंडिंग कर रही है वो फंडिंग के बाद अलग अलग जहाँ पे उन फंडिंग को किया जा रहा है वो कौन सी जगह है, कैसे ये फंडिंग की जा रही है, इसको लेके ये यहाँ पे छापेमारी चल रही है। हालांकि इसका 72 घंटे का समय होता है, लगभग इतना समय लगता ही है, तो लगातार आज भी छापेमारी जारी है। 5वें 6वें माले पे और 11वें माले पे लगातार छापेमारी जारी है। यहाँ पे काम करने वाले लोगों को जरूर घर से काम करने की हिदायत दी गई है, लेकिन जो ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े हुए एक दो लोग हैं उन्हीं को ही अंदर आने दिया है। बाकी लोगों के फोन भी कल जब्त कर लिए गए थे, और जो बीबीसी के सीनियर लोग हैं जो वहां पे काम करते हैं उन्हों के जरूर फोन लेके उनको जरूर खंगाला गया है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को जरूर रखा गया है, उनकी जरूर खंगाल रहे हैं, उनमें लगातार देख रहे हैं कि कोई ऐसा सबूत कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी उन्हें तलाश है। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसी कोई अंदर से खबर नहीं आई है, लगातार अभी भी छापेमारी चल रही है और ये कल भी शायद इसी तरीके से चलती रही। बिल्कुल, देखना होगा कि छापेमारी में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। गजेंद्र राजन, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो आज भी बीबीसी के कई ऐसे दफ्तर जहां पर छापेमारी की जा रही है, हालांकि बताया जा रहा है कि 3-3 तक ये छापेमारी चलेगी।